मुल्तान में जिले इंतजामिया के लिए एसओपीज पर अमल दरामद करवाया। बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों ने एसओपीज की धज्जियां बिखेर दी। समाजी फासला और मास्क का इस्तेमाल नजरअंदाज कर दिया गया। हमें रिपोर्ट करेंगे माजिद कलासला। कोरोना हुआ आउट ऑफ कंट्रोल, रोजाना की बुनियाद पर मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा होने लगा। दूसरी जानब शहरों की जानब से गफलत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। शहरों ने हुकूमत की जानब से जारी करदा एहतियाती तदाबीर की धज्जियां बिखेर दी। शहरी कहते हैं कि कोरोना बढ़ रहा है, मास्क की पाबंदी हम सबको करनी चाहिए। जैसे आजकल कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, मुल्क के हालात खराब है, तो मास्क की पाबंदी बिल्कुल नहीं है। मास्क लाजमी पहनना चाहिए, खुद को भी बचाएं, दूसरों की भी एहतियात करें। हुसैना आगाई बाजार में खवातीन की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ दिखाई दी, लेकिन कोरोना एसओपीज की खुलम खुला खिलाफ वर्जियों के बगैर मास्क और बगैर समाजी फासला के शॉपिंग करने में मसरूफ रहीं। दुकानदारों का कहना था कि मास्क की पाबंदी करनी चाहिए और हुकूमत लॉकडाउन में नरमी करके ताजरों को रिलीफ दे। हुकूमत जो है दो रोज के लिए बाजार बंद कर रही है, ये काम ना करे। गरीब बंदा कहाँ से कमाएगा, कैसे खाएगा? चार पाँच रोज कोरोना होता है, इन दो दिनों में नहीं होता। जैसे दो दिन में होता है, चार पाँच दिन नहीं होता है। बीमारी तो फिर रेगुलर चल ही रही है ना, तो हुकूमत को चाहिए भले टाइम थोड़ा सा और क्लोज कर दे, बल छुट्टी वाला ये दो दिन की छुट्टी है ये खत्म करे। कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत पकड़ती जा रही है, लेकिन शहरों की जानब से एसओपीज की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला ना रुका तो कोरोना केसेस में मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान।